एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, डिटरमाइन द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज फॉर फिगर दिस इफ द टर्न्स रेशियो इज 0.5। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है टर्न रेशियो को रिप्रेजेंट, ये एन की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू, ये कैसे एन की वैल्यू है, टेन की वैल्यू। यहाँ पे देखिए फिगर में तो उसने 2:1 दिया ना, तो इफ यू 1/2, एन क्या होता है, एन होता है आपके पास स्मॉल एन इक्वल्स टू होता है एन एस ओवर एन पी। ठीक है, तो एन एस आपके पास जो है 1 है, एन पी आपके पास 2 है, तो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 0.5। ओके, सो 2:1 इज द टर्न रेशो। इनपुट वोल्टेज जो है 170 वोल्ट है, उसके बाद फ्यूज लगा हुआ है, और इधर अगर 170 वोल्ट है तो इधर इट मस्ट बी 170 मल्टीप्लाइड विद 0.5 एंड यू विल गेट अराउंड 85 वोल्ट। यहाँ पे आपको मिलेंगे 85 वोल्ट। ठीक है सर, इसको बंदा डायरेक्ट भी कर ले कि यानी वो 2:1 है तो जाहिर सी बात है उसका डबल उधर होगा और उसका आधा हिस्सा जो है ना सेकेंडरी साइड पे होगा, जी तो जी बंदा उसको 2 से डिवाइड कर। हाँ कर सकता है, उसको कोई इशू नहीं। ये देखिए उसने इधर ये किया है, ये 0.5 से हाफ से मल्टीप्लाई करके तो उसने सेकेंडरी के ये वोल्टेज निकाल ली, सेकेंडरी के वोल्टेज हाफ से मल्टीप्लाई किया। हाँ हाँ वो तो प्रॉपर फॉर्मूले से कर रहा है ना, तो 170 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 85 आ जाएगा क्योंकि उसका 2 गुना उधर ज्यादा है ठीक और सेकेंडरी साइड पे उसका एक है। हाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है वो भी ठीक ठीक तरीके। हो गया। तो ये याद रखना ये पीक वोल्टेज होगा, पीक वोल्टेज, दिस 85 इज पीक वोल्टेज। पीक का मतलब है कि ये जो वेवफॉर्म होती है ना, इसमें जो ये पीक आ रही है वो 85 की है, ये जो इसमें ये पीक है ये हर वक्त 85 नहीं रहता, ये वोल्टेज हर वक्त 85 नहीं रहता, ये टच करता है 85 को और उसके बाद वापस हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है ये वंस इन इन हाफ साइकिल आती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में मैं 85 इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम 85 तक जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी वैल्यू। नहीं 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 इसका मतलब ये है, ये जो पीक है ना, सपोज इसकी 85 थी, मैं आसान वैल्यू ले लेता एक 5 वोल्ट, ठीक है, ये जो पीक है इसकी वैल्यू है 5 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज ये 0 से स्टार्ट हुआ, 1 तक आया, 2 तक गया, 3 पे आया, 4 पे आया और फिर ये 5 पे आया, उसके बाद फिर रिड्यूस होगा, अगेन 4 पे आएगा, फिर ये 3 पे आएगा, फिर ये 2 पे आएगा और फिर ये 1 पे आएगा और फिर ये 0 पे आएगा। तो एक हाफ साइकिल के अंदर जो 4 वोल्ट्स हैं इसको इस ये 2 दफ़ा आए हैं, ठीक है, और जो 3 वोल्ट है ये भी 2 दफ़ा आया है, समझ आ गई, जो 2 वोल्ट है वो भी 2 दफ़ा आया, 0 भी 2 दफ़ा आया, 1 भी 2 दफ़ा है, बट ये जो 5 है ये एक दफ़ा है, वो एक दफ़ा है, एक दफ़ा आएगा, ठीक है। तो ये जो 85 वोल्ट है ये 1 टाइम आता है एक हाफ साइकिल के अंदर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम इससे ये नहीं कह सकते कि हर वक्त 85 वोल्ट है, ठीक है, ना ही हम कभी इस वैल्यू से अपने सर्किट्स को सिंप्लीफाई करते होते हैं। हाँ, बट इस वोल्टेज को हम कंसिडर जरूर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके रेफरेंस से हम बाकी वैल्यू लेते हैं। ओके, आगे अब क्या किया जी, क्वेश्चन उसका क्या था, पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो बड़ा सिंपल है, वो तो ये निकाल दी इसने पीक वैल्यू, ठीक है, तो पीक वैल्यू कैसे निकालनी है, पीक वैल्यू 85 वोल्ट है, डायोड के 0.7 उसके उसमें बाद में माइनस कर दें तो 84.3 आ जाएगा, ये पीक आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे आएंगे आउटपुट वोल्टेज, ये उसने कहा था आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज आके लोड के अक्रॉस होते हैं और यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहे होंगे वो इस डायोड को वोल्टेज माइनस करना पड़ेगा जो यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर 85 है। सर्किट में जो पी के इनपुट वोल्टेज है वो 170 है ना, है ना, ये इनपुट 170 है, इन 170 इस तरफ है यहाँ पर है, ठीक है, ठीक होगा, और यहाँ पर आके 85 हो गए हैं,
85 में से ये 0.7 यहाँ पे निकाल दिया तो इधर 84.3 माइनस हो गया तो गया, याद इधर 84.3 है जो ये आउटपुट गया, ओके हो गया। ठीक हो गया।